एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज फर्स्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि x और y की बहुत सारी वैल्यूज होगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक, सपोज हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो इसमें 0 पुट करते हैं, 3 इंटू 0 0 प्लस 5, तो y 5। तो उसका एक सॉल्यूशन बन गया 0 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 5 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूशन 1। आगे हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y की कितनी आएगी, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8, तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया 1 8 सॉल्यूशन 2। इस तरह से आगे x की वैल्यू 2 ले, 3 इंटू 2 6 6 प्लस 5 11 2 11, तो ये हो गया सॉल्यूशन 3। ठीक, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो सॉल्यूशन मिलते ही जाएंगे। ठीक है, और वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब कहीं एंड ही नहीं हो गया। 3 लेते हैं, 3 इंटू 3 9 9 प्लस 5 14, वाई इज इक्वल टू 14, तो 3 14, ये हो गया सॉल्यूशन 4। तो ये ऐसे कंटिन्यू ही रहेगा आगे, यानी कि इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके बाद है क्वेश्चन 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो x y की वैल्यू हो जाएगी इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो फर्स्ट है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 0 पुट करते, तो 2 इंटू 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 7। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करते, तो 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया 1 5। उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3, तो x 2 y 3, सेकंड सॉल्यूशन हो गया 2 3। अब लास्ट सॉल्यूशन फोर्थ वन, x की वैल्यू हम पुट करते हैं 3, तो 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, y इज इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन हो गया 3 1। तो ये चार सॉल्यूशन हो गए, इसी में हम आगे के इक्वेशन के फाइंड करेंगे। अब सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फर्स्ट x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो पाई इंटू 0 यानी कि 0, तो y इज इक्वल टू 9, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 9, सेकंड 1 पुट करते हैं, पाई इंटू 1 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं 3.4 ने, लेकिन वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, तो इससे अच्छा ऐसे ही रहने देते। तो इसका सॉल्यूशन हो गया सेकंड सॉल्यूशन 1 9 माइनस पाई। अब 2 पुट करते हैं, तो 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। एक और सॉल्यूशन हो गया 2 9 माइनस 2 पाई। 3 सॉल्यूशन हो गया, अब ये फोर्थ वन, x इज इक्वल टू 3, तो 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। थर्ड सॉल्यूशन हो गया 2 9 माइनस 3 पाई। उसके बाद है थर्ड x इज इक्वल टू 4y, इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू 4y। तो पहले हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 0 नहीं है, तो y 0 होगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 0, अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया 1 1 बाय 4। अब x की वैल्यू करते हैं पुट 2, 2 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू 2 बाय 4, y इज इक्वल टू 1 बाय 2,
एक और थर्ड सॉल्यूशन हो गया 2 1/2, अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3/4, थर्ड सॉल्यूशन फोर्थ सॉल्यूशन हो गया 3 3/4।